अपने ये बता रहे थे कि जो प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश के रंगों पर व माध्यम पे निर्भर करता है। अगर जैसे अपने पारदर्शी सतह लें, अभिलंब, एक लाल रंग की किरण मान लेते हैं, यहाँ आपतित हो रही है, इसका आपतन कोण आई है। अगर और इसी कोण पर एक बैंगनी रंग की किरण इसी सतह पे आपतित हो रही है, मान लेते हैं कि इधर विरल माध्यम हवा है और सघन माध्यम कांच है। अपने ये बताया था कि जो लाल रंग की किरण है इसके चाल बैंगनी रंग की किरण से ज़्यादा होती है, तो जब प्रकाश किरण माध्यम में प्रवेश करेगी तो लाल रंग की किरण को इस पथ पे जाना था अपवर्तन के कारण या अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, कारण ये विरल से सघन में जा रही है, यह अपवर्तन कोण R1 है। इसी प्रकार अगर अपने बैंगनी रंग की किरण के लिए लेते हैं तो ये भी अपने अभिलंब की ओर मुड़ेगी, इसका अपवर्तन कोण R2 है। अपवर्तन की निर्भरता में बोला था कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, इस कारण उसका अपवर्तन होता है। लाल रंग की चाल बैंगनी रंग से ज़्यादा है तो इसका अपवर्तन कम होगा, और बैंगनी रंग की चाल लाल रंग की तुलना में कम है, इसका अपवर्तन ज़्यादा होगा। तो यहाँ अगर अपने तुलना करें तो जो R1 का मान R2 से कम है, इसका तात्पर्य ये है कि बैंगनी रंग की किरण का जो विचलन है वो अधिक हुआ है और लाल रंग की जो किरण है उसका विचलन कम हुआ है। प्रकाश के 7 रंग लेते हैं विबग्योर, अगर अपने बैंगनी से लाल की ओर जाएं तो अपवर्तन या विचलन कम होता है, लाल से बैंगनी की ओर जाएं अपवर्तन या विचलन ज़्यादा होता है, कारण चाल कम होती है। आपसे ये प्रश्न दिया जाए कि किसी माध्यम के अंदर किस रंग की किरण की चाल अधिक होगी, किसकी कम होगी, तो लाल रंग की चाल अधिक होगी, इसका अपवर्तन कम होगा, बैंगनी रंग की चाल कम होती है, इसका अपवर्तन ज़्यादा होता है। ये तो रंगों की निर्भरता है। दूसरा आपने बोला माध्यम, अपने ये मान लेते हैं कि प्रकाश हवा से कांच की ओर जा रहा है, तो अपने इसे लिखेंगे ए म्यू जी, जैसे अपने ये समझा रहे थे कि अपवर्तनांक अगर 1 से 2 माध्यम में जाता है तो 1 μ2 लिखते हैं। यहाँ प्रथम जो माध्यम हवा है तो इसके लिए अपने ए लिख दिया, द्वितीय माध्यम ग्लास है तो इसके लिए अपने जी लिख दिया। ए म्यू जी का मान 3/2 होता है। इसी प्रकार अगर प्रकाश हवा से पानी में जा रहा है, प्रथम माध्यम जो अपने हवा और द्वितीय माध्यम अपने पास पानी है, इसके लिए अगर अपने लिखते हैं तो ए म्यू डब्ल्यू, इसका मान 4/3 होता है। ए म्यू जी 1.5 और ए म्यू डब्ल्यू 1.33 है। तो कहने का तात्पर्य है कि हवा कांच माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है और हवा और पानी जो माध्यम का अपवर्तनांक कम है, तो इस हवा कांच माध्यम के अंदर प्रकाश का अपवर्तन अधिक हो जाएगा और हवा कांच माध्यम अब सॉरी हवा पानी के अंदर कम होगा। ये माध्यम की निर्भरता होती है।